इस वीडियो को देखिएगा जरूर, आपको वो प्रोसेस समझ में आएगा। मैं साथ साथ में इसमें इंडिया की बात भी करूंगा कि इंडिया से क्या प्रोसेस रहता है, कितना मुश्किल होता है, उसके कंपैरिजन में ही मैं बात करूंगा नेपाल से क्या प्रोसीजर रहता है, कितना मुश्किल होता है नेपाल से यूएसए डोंकी, है ना, यूएसए रीच कह ले सकते हैं इसको। ये शब्द इसलिए लिखा जाता है यहाँ पर क्योंकि यही लोग शब्द सुनना चाहते हैं ना, ये शब्द लोग बस इसी को सुनना चाहते हैं, किसी और दूसरे शब्द को सुनना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पर ये लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ही हम बात करेंगे कि ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्या रहता है और इसका इसको कैसे आपको देखना चाहिए, इतना मतलब इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए। जब आप लोग हैं, जब जा रहे हैं लेकिन आप अवेयर नहीं हैं, अपने कैसे ही गलती में फंस जाते हैं, गलती कर देते हैं जिससे आपका पैसे का जोखिम होता है, उसके साथ साथ आपकी जान का जोखिम है, आपकी फैमिली की सुरक्षा, कई लोग तो अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि इस पर जब हम किसी सफर पे चल रहे होते हैं तो हमें उसका पहले थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। मैं इसलिए ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि इस कितना मुश्किल है ये। आप ऐसे आपको आसान लगता है कि आपने आपके जो एजेंट हैं वो कहते हैं कि बस पैसे दीजिए, बहुत आसान लगता है क्योंकि उनको पैसे चाहिए, वो पैसे लेके बैठ जाएंगे, इतना आसान नहीं है क्योंकि जोखिम तो आपको है। तो देखिए कितना मुश्किल है, मैंने इसके लिए आप इसको समझिएगा, ये दीवार, जैसे ये यूएसए की दीवार है, यहाँ से तो आसान लगती है ना ये दीवार कि भाई ये दीवार दिख जाए, सभी को ये सपने में भी ये दीवार दिखती है कि एक बार ये गेट खुला मिल जाए और यहाँ से ये एंट्री हो जाए, जैसे इन लोगों की हो रही है, देखो ना कितने लोग हैं। लेकिन ये वहां तक पहुंचे हैं, कितना मुश्किल सफर इन लोगों ने तय किया है वो आपको मैं दिखाने की आज प्रयास करूंगा। ठीक है, खासकर नेपाल। देखिए मैंने एक बात लिखी है, नेपाल से यूएसए पहुंचना है ना, नेपाल से यूएसए इतना मुश्किल है जितना धरती से चांद पर जाना। नेपाल से यूएसए पहुंचना इतना ही मुश्किल है इस रूट के माध्यम से, अगर आपके पास प्रॉपर वीजा है। मैं तो ये कहता हूं कि आप प्रॉपर वीजा से जाइए, आपका वीजा निकालिए पहले, आप टूरिस्ट वीजा पे नेपाल जा यूएसए जा सकते हैं, स्टडी वीजा पे जा सकते हैं, इसके साथ साथ वर्क वीजा पे जा सकते हैं, तो आप वीजा के माध्यम से जाएंगे बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस माध्यम से आप ज्यादातर क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं और बड़ी संख्या में लोगों के साथ दिल्ली में ठगी हो रही है कि उनको यूएसए के नाम पर दिल्ली में बड़ी लोगों के साथ ठगी हो रही है कि क्योंकि वो उन लोगों को लगता है कि भारत से, क्योंकि भारत से ये काम पहले से बहुत ज्यादा चल रहा है तो इसलिए वो लोग भारत आते हैं और वो ये सोचते हैं कि भारत से ये काम उनका आसानी से हो जाएगा और उनको ड्रीम सपना भी ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ हाँ बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन उनके साथ इसके नाम पर बड़ा धोखा भी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार धोखा होता है, लेकिन धोखा कई बार होता है नेपाली के साथ भारत में, दिल्ली में खासकर, और तो इस बात से आप बच कर रहें। तो इसीलिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि कितना मुश्किल है ये सफर। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि भाई देखो अगर वो बंदा इस तरह से आपके साथ बात कर रहा है तो आप उसकी बातों को थोड़ा सा चेक कर लीजिए। देखिए मैंने बात लिखी ना, धरती से चांद तक जाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है नेपाल से यूएसए तक जाना। इसके कई कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है ये नेपाल और यहां पर है ये यूएसए ना, तो ये इसके सफर के लिए इतना, अगर आपका ना आप नंबर एक कहते हैं ना, नंबर लीगल जो तरीके हैं, आप स्टडी वीजा पे जा सकते हैं, है ना, स्टडी वीजा ले सकते हैं आप टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं ना, ठीक है, और आप वर्क वीजा पे जा सकते हैं। ये बड़े ये दो जो वीजे हैं ये बहुत आसान ये मिल जाते हैं, लेकिन ये वर्क वीजा यूएसए का बहुत ही हाई स्किल लोगों को ही मिलता है, ठीक है, और उसके साथ साथ स्टडी हो गया, टूरिस्ट हो गया, वर्क वीजा हो गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ देखिए इसमें क्या है कि ये सफर है तो सीधा, लेकिन इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है, ठीक है। तो आपको मैं इसका समझाने का प्रयास करूंगा कि कितना मुश्किल है, इतना ही मुश्किल है जितना ये यहां से यहां है ना। मैं तो ये कहने वाला हूं चांद से नहीं मंगल की तरह है ये, है ना, ठीक है। तो समझिए इस बात को, देखिए जब आप नेपाल से यूएसए जाने का प्रयास करते हैं, नेपाल से यूएसए का जब आप प्रयास करते हैं तो क्या क्या मुश्किलें आती हैं। इंडियन के
लिए सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उनको काफी जगह के वीजा फ्री हैं यूएसए के आसपास के। लेकिन नेपाली के लिए समस्या क्या है कि नेपाली के लिए वीजा की जरूरत होती है, लेकिन उनको और उसके साथ साथ जहां उनको ऑन अराइवल है वहां भी उनको एंट्री नहीं करने दिया जाता। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन बहुत क्लियर करने में बहुत मुश्किल आता है उनको। बड़ी तो ये बात मेरे को बड़ी वो लगती है कि जो काठमांडू में ही है ना उनको प्रॉब्लम आती है, काठमांडू जो एयरपोर्ट पर से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उनको। काठमांडू में ही उनको एंट्री कर नहीं करने दिया जाता, काठमांडू में ही उनको फ्लाई बोर्डिंग नहीं मिलता, पहली प्रॉब्लम उनको काठमांडू में ही आ जाती है ना। या आप समझिएगा, मैंने काफी लोगों से बातचीत की है, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी मैं बता रहा हूं, काठमांडू से ही उनको साथ प्रॉब्लम का शुरुआत हो जाती है। अगर वो इवन कई लोगों के साथ तो तब भी प्रॉब्लम होती है जब वो इंडिया आना चाहते हैं, वो दुबई जाना चाहते हैं, वो बाकू जाना चाहते हैं, वो वहां से दोहा, कतर, ओमान कहीं भी जाना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ अगर वो सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, तो उनको काठमांडू ही रोक लिया जाता है। एक तो ये समस्या आप सुनिए, है ना। तो इस बात को आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को एक रियल ट्रैवलर बनाएं। अगर आप एक ट्रैवलर की तरह दिखना चाहते हैं तो ट्रैवलर आपको लगना भी चाहिए ना कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए, पहले आप 2-3 बार दुबई घूमिए, उसके बाद आप सिंगापुर जाइए, मलेशिया घूमिए, ऐसे घूमते रहिए पहले, है ना। थोड़ा थोड़ा घूम के अपना ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करो और अपने डॉक्यूमेंट को मजबूत करो, अपनी नॉलेज को, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा मजबूत करो। आपको एक दूसरी इंग्लिश तो कम से कम थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, और आपकी तो लैंग्वेज जो नेपाली है वो तो आपके साथ ही है। आपको थोड़ी बहुत स्पेनिश भी आनी चाहिए अगर आप यूएसए जाना चाहते हैं, क्योंकि बीच का जो ये सफर है जो आपको पैदल क्रॉस करना है वो सारा स्पेनिश लैंग्वेज का एरिया है। तो समझिए इस बात को, समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है, फ्लाई करने में समस्या है, फ्लाई करने में समस्या काठमांडू से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद काठमांडू से आप यूएई आते हैं, दुबई आते हैं, ओमान आते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको समस्या आती है। इवन आपको दिल्ली में आने में भी समस्या आती है, दिल्ली में अगर आप जब आते हैं तो वहां से भी समस्या आती है, उसके बाद आप बॉम्बे जाते हैं वहां भी समस्या आती है। तो यहाँ तो हर जगह समस्या रहती है। लेकिन मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप नेपाल से यूएसए जाना चाहते हैं और इंडिया अगर जब आप आते हैं तो इंडिया जब आप आते हैं तो कैसे आए, तो यहां पर आप इंडिया में भी बाय फ्लाइट ही आए जी, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें। आप इंडिया में कभी भी अगर आपको इंडिया से यूएसए जाना है या किसी भी दूसरे देश में जाना है, आपको दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, तो आप इंडिया में भी बाई फ्लाइट ही आए, तभी आप यहां से फ्लाई कर पाएंगे। अगर आप इंडिया में बाय रोड आ गए हैं, बाय ट्रेन आ गए हैं, तो आपको यहां से फ्लाई नहीं होगा, उसके लिए आपको एनओसी की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? एनओसी की जरूरत होगी। इसके बिना आप किसी दूसरे कंट्री में फ्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आप बाय उस आ गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप इंडिया में आए अगर आपको आगे जाना है तो प्लीज आप बाय फ्लाइट ही इंडिया आए, उसके बाद ही आगे का सफर, बाय फ्लाइट ही हर जगह जाएं, ये बात आप सुन लें, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। काफी लोगों को ये पता नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को। दूसरा समस्या कहां पर आती है, देखिए भारत के जो लोग हैं उनके लिए एल सेल्वाडोर एक गिफ्ट है यूएसए जाने के लिए ना। यहां पर लोग इंडिया के लोग एल सेल्वाडोर चले जाते हैं उनके लिए गिफ्ट है, और इंडिया के जो लोग हैं उनको ये सेंजन वीजा भी फ्री में थोड़ा ठीक मिल जाते हैं, फ्री तो नहीं कह सकते, ये जो सेंजन वीजा है ये यूरोप के जो वीजा हैं वो भी इजिली मिल जाते हैं, थोड़े से इतने मतलब काफी वो है, इजिली है। नेपाल के लिए ये वीजा बड़े मुश्किल हैं, ठीक है, इस तो एक तो ये मुश्किल है कि ये वीजा नहीं मिलते। अगर अगर ये यूरोप के जो कंट्री हैं या सेंजन वीजा, यूके वीजा आपको मिल जाए तो उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो सफर इजी हो जाता है ना। इसीलिए नेपाल के लोगों को क्या करना पड़ता है, नेपाल के लोगों को पहले इथोपिया जाएंगे वो, है ना, इथोपिया से युगांडा जाएंगे, युगांडा, केनिया, उसके बाद घाना, है ना, ऐसे घूमते घूमते लोगों को जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां यहां से घुमाते घुमाते आपको जाते हैं, उसके बाद वो ब्राजील, है ना, ब्राजील या बोलिविया, क्योंकि बोलिविया एकमात्र एक ऐसा उनके पास ऑप्शन है बोलिविया, जहां से वो क्या कर सकते हैं, बोलिविया एक ऐसा ऑप्शन है
जहां वो जा सकते हैं, किस तरह जा सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल है यहां पर, लेकिन वहां के लिए उनको फ्लाई करने का मौका ही मिले तब ना, वीजा ऑन अराइवल है, कल मैंने बताया भी था। तो यहां की एंट्री का एक उनके पास दूसरा पॉइंट है सूरीनेम, ये यहां का भी, यहां का ई वीजा है सूरीनेम। एक उनके पास मौका है, एक जो उनको ऑप्शन है वो है हेती। क्या है? हेती, ठीक है। हेती जो है, एक हेती है और एक बोलविया है और एक सूरीनेम है, जिनको जो जिसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, साउथ अमेरिका आ सकते हैं। उसके बाद उनको ये, अब यहां आने के बाद क्या होता है कि यहां आने के बाद या इक्वाडोर को, इक्वाडोर का भी ई वीजा लगता है उनको, लेकिन इस क्षेत्र में अगर वो आ जाते हैं तो यहां से समस्या क्या है, उनको पनामा का जो जंगल है, ये पनामा है यहां पर, है ना, कोलंबिया, ये जो एरिया है इससे क्या करना पड़ता है, ये इसमें ये पनामा वाला जो जंगल है ना, पनामा जंगल है जो, उसको पैदल मार्च करना पड़ता है ना, पैदल चलना पड़ता है, जो काफी हार्ड है। और उसके बाद पनामा से होंडुरस, है ना, निकारागुआ, निकारागुआ से ऐसे ही जाते जाते मैक्सिको और फिर यहाँ यूएसए की दीवार के पास पहुँचते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादातर जो नेपाली हैं उनको 8 महीने, 12 महीने, कई लोगों को 15 महीने और कई लोगों को तो 2 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से वो धीरे 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 पैदल पैदल उनको मार्च करके वहां जाना पड़ता है। इनके पास ऐसा कोई भी यहां पर मेक्सिको या एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन उनके पास नहीं है, या तो उनको वीजा मिले, वीजा मिले तो तब तो बात बन सकती है, यहां का वीजा उनको मिलता नहीं है, जिसके कारण आप ये पहले सोच ले। मैं ये क्यों बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आपको कोई एजेंट ये बोल रहा है कि मैं बाय फ्लाइट आपको मेक्सिको या एल सेल्वाडोर लेके जाऊंगा, तो आपको झूठ बोल रहा है, वो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसके पास अगर आपने आपका उसने सेंजन वीजा निकाल लिया तो देन तो वो ले जा सकता है। अगर उसने आपका सेंजन वीजा नहीं निकाला है, आपका कनाडा यूके का वीजा नहीं निकाला है, उसके बिना आपको वो पैदल के बिना नहीं ले जा सकता, उसके बिना आपको वो पैदल के बिना नहीं ले जा सकता, इस बात का ध्यान रखिए। आपको पनामा के जंगलों से जाना ही होगा। जब आप फैमिली के साथ निकलते हैं तो इस बात का अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपके हाथ में वीजा है, मैं तो ये कहता हूं कि आप सेंजन वीजा की ट्राई करो, है ना, वीजा की ट्राई करो। जब आपको वीजा मिल जाए, या तो यूएसए का ही मिल जाए आपको वीजा, या कनाडा का आपको वीजा मिल जाए, या इन कंट्री में से किसी का सेंजन वीजा मिल जाए, किसी आपको जापान का वीजा मिल जाए, है ना, इन वीजा को लेने का प्रयास करो, अपने डॉक्यूमेंट ठीक करो। ये वीजा मिलने के बाद आपका रीच आसान है, या तो आपको जापान का वीजा मिल जाए, जापान के इसके अलावा आपको कनाडा वीजा मिल जाए, यूरोप के किसी कंट्री का वीजा आपको मिल जाए, ये आपको डॉक्यूमेंट आपके मजबूत करोगे, और ये वीजा अगर आपको मिल गए तो आप इजीली जा पाएंगे, नहीं तो आपको पैदल का सफर ही करना पड़ेगा, और वो भी काफी, पहले आपको अफ्रीका काफी घुमाएंगे लोग, और अफ्रीका से या अजरबैजान बाकू से आपको निकालेंगे, तो ये सफर आपको फिर पैदल मार्च आपको करना ही पड़ेगा, जिसमें आपको 8 महीने से लेकर 1.5 साल तक लग सकता है, 8 महीने से 12 महीने और 15 महीने, 18 महीने आपको लग सकते हैं। और इसमें आपको पैसा भी, आपको पता है, मैं नेपाली के नहीं, इंडिया के भी, अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो 40 लाख तक आपका खर्च हो जाता है, क्योंकि एक बहुत लंबा सफर होता है। जब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जब तक आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप कोशिश ना करें, आप कम पैसे लेके घर से मत निकलें, कहीं फंस जाएंगे, वो पैसा खराब हो जाएगा और आपका वो कम पैसा भी जाएगा। इससे अच्छा तो है कि आपके पास अगर कम पैसा है, उससे अच्छा आप दुबई जाइए, आप किसी ऐसी कंट्री में जाइए जहां पर कम पैसे में जा सकते हैं, वहां पर जाके काम करिए, और उसके बाद वहां पर जब आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं, डॉक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप सेंजन, जापान, कनाडा या कोई ऐसे ब्राजील, इनका वीजा निकालिए, और वीजा निकालने के बाद आप फिर जाइए, आसानी रहेगी आपको, ठीक है। ये बात आप समझे होंगे मेरे ख्याल से, जो मैं बात समझाना चाहता हूं, कि आप एक तो ये बात सोच लें, जब भी अगर आप फैमिली के साथ निकलते हैं और आपको एजेंट कह रहा है कि आपको मैं बिना कोई वीजा आपको वहां पहुंचा दूंगा, तो आपको झूठ बोल रहा है, तो आपकी फैमिली कहीं मुश्किल में फंस जाएगी, तो आप इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा कम है तब भी आप ना निकलें, पहले आप दुबई या कहीं ऐसे कंट्री में जाकर, सिंगापुर, मलेशिया,
ऐसे कंट्री में जाकर पैसा थोड़ा इकट्ठा करें, पैसा कमाएं, या और वहां से वीजा अप्लाई करें, ब्राजील का वीजा अप्लाई करें, जापान का वीजा अप्लाई करें, उसके साथ साथ आप मेक्सिको का वीजा अप्लाई कर ही सकते हैं, मिल भी सकता है, और यूरोप का वीजा, यूरोप में बहुत सी कंट्री हैं जहां का वीजा मिल भी जाता है, तो इस तरह से आप प्रोसेस को करें, नहीं तो आप फंसेंगे, इस बात का पक्का है, आपके साथ ठगी होगी, आपका रिस्क है, आप इस बात को मानिए, है ना। कई लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी चिंता है, क्योंकि मैं, मेरे सामने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में नेपालियों के साथ बहुत, मतलब मेरे सामने नहीं, मतलब बाद में न्यूज आई थी, बात बहुत बड़ी ठगी हो गई थी, तो पैसे की ठगी हो जाती है, और किसी को भी ऐसे ट्रस्ट पे पैसा मत दीजिए अगर उसके पास आपके लिए पूरा रोड मैप नहीं है तो, प्लीज, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। देखिए, ये समस्या मैंने इसीलिए बताई थी, ये जो इमिग्रेशन पे नेपाली से है ना, क्वेश्चनिंग बहुत होती है हर इमिग्रेशन पे, हर एयरपोर्ट पे, काठमांडू से ही क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, आपको हर जगह रोका जाएगा और चढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं इंडियन के लिए वीजा के लिए अप्लाई करता हूँ तो बहुत ईजिली कहीं से हो जाता है, और किसी को भी मैं इंडियन का वीजा अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ, वर्क वीजा हो तो ईजिली हो जाता है, लेकिन जब मैं नेपाली के लिए बोलता हूँ तो हर बार जगह मुश्किल का सामना मुझे काफ़ी करना पड़ता है। लेकिन हम इनका सॉल्यूशन ढूंढने पे लगे हैं, सॉल्यूशन ज़रूर खोज लेंगे और उसी पे लगे हैं। इस तरह से लोग फिर एयरपोर्ट पे यहाँ वहाँ फंस जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भी फंसें, जब तक आपके पास एक कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट रिसर्च नहीं है, आप जाने से पहले खुद रिसर्च करें, बातों को जानें, विदाउट पूरा ज्ञान आप घर से ना निकलें, घर पर आप सुरक्षित हैं, बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, आपका पैसा भी बचा हुआ है। कई लोग, मैंने अभी अभी जो न्यूज आ रही है उसमें ये है कि काफी सारे लोग निकल पड़े हैं घर से ऐसे ही, उनको बिना तैयार, किसी को उनको पता नहीं, वैसे आ जाते हैं कि इंडिया चलते हैं, इंडिया से जैसे कोई उनको प्लेन में बिठा देगा और उसको भेज देगा, ऐसा नहीं है। आप इंडिया ऐसे, मतलब पहले तो इंडिया जब आए तो फ्लाइट से आए, बाय फ्लाइट ही आए इंडिया पे, आपके पास मोहर उसके ऊपर ठप्पा लगना चाहिए, विदाउट फ्लाइट आप इंडिया, अगर आपको आगे जाना है तो विदाउट फ्लाइट इंडिया ना आए। और इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसा कम है तो ट्राई ना करें दूसरे कंट्री का, जहां पर छोटी कंट्री है उनका ट्राई करें, उनका वीजा लगवाएं, वहां पर काम करें, वहां से डॉक्यूमेंट मजबूत करें, उसके बाद आगे जाएं। आपको ये, आप ये, मैं नेपाली में तो बोल, मुझे नहीं आती नेपाली तो, लेकिन इसको आप, बड़ी हिंदी है ये, इसको आप धीरे धीरे सुनिए और आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं, आप वीजा की कोशिश करिए कि आपको वीजा मिल जाए, वीजा आपको जापान का मिल जाए, है ना, यूरोप में किसी कंट्री का मिल जाए, और कनाडा का मिल जाए, कनाडा का मिल गया तो ये कहेंगे, उसके बाद यूएसए का ही मिल जाए, है ना, और इसमें आपको ब्राज़ील मिल जाए तो ब्राज़ील भी ठीक है, निकलने के लिए तो हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, है ना, नहीं तो आपको ये देखो, ये जंग, ये पनामा का जंगल के सीन है, ये देखो, ये पूरे सीन पनामा के जंगल के हैं, ऐसे जंगलों से लोग जाते हुए, है ना, इसे ये, है ना। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को सोच के निकलें पहले, है ना, रिस्क लेना है तो फिर आप उसके बाद ही यहाँ तक पहुँच पाएंगे, है ना, यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ तक का है। देखिए, यूएसए ने नेपाल को एक प्रोटेक्शन स्टेट का दर्जा दिया है, यूएसए ने नेपाल को क्या दिया है, एक प्रोटेक्शन स्टेट का दर्जा दिया है। तो इस, ये आज के लिए थैंक यू, है ना। अगर आप स्टडी वीजा और टूरिस्ट वीजा, और वर्क वीजा किसी कंट्री का देख रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट, है ना, मैसेज करें, है ना, एक तो आपका क्वेश्चन मैसेज करें, फोन ना करें, सीधा फोन कर देते हैं लोग, है ना, ये नंबर इसलिए नहीं लिखा जाता कि आप उस पर पूरा दिन टाइम पास करते रहेंगे, जो सीरियस कैंडिडेट है वही कॉल करे, टाइम पास कैंडिडेट, मैंने जितनी क्वालिटी बताई है पूरा आपके पास, अगर कंप्लीट, जब तक पैसा आपके पास नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं है, तो उसके बिना टाइम पास ना करें, है ना। अगर आप स्टडी करने स्टडी करना जाना चाहते हैं, चाहे आप नेपाल से भी हैं, आप नेपाल से हो या इंडिया से हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, नेपाल से हो या इंडिया से हो, आप स्टडी पे जाना चाहते हैं, टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं, वर्क वीजा पे जाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सॉल्यूशन इस नंबर पे आपको मिलेगा। और हम आपको एक बात और बता दें, 25 जो अगस्त है,
उसमें हम क्या कर रहे हैं, काठमांडू में एक सेमिनार कर रहे हैं, है ना। उसमें भी आप कई बहुत सी बातें जानेंगे, कोशिश करेंगे आपको क्लियरिटी मिल जाए, आपके साथ ठगी ना हो, है ना। तो इसके लिए हम जल्दी ही पोस्टर जारी करेंगे, है ना, उसका पूरा प्रोसीजर जारी करेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, जगह सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, हमें हमारा सेमिनार सुन सकते हैं जो कि फ्री होगा, उसके साथ साथ आप हमें 1-to-1 मिल सकते हैं जो कि पेड होगा, है ना। 1-to-1 भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे साथ बैठ के, और उसके बाद वो पेड होगा, लेकिन जनरल सेमिनार वो क्या होगा, वो फ्री होगा। तो आप ध्यान रखिए और इस नंबर पे आप जानकारी लेते रहिए, और मैं और बाकी वहाँ जो नंबर आएगा यहाँ का, वहाँ का जो प्रोसीजर आएगा वो भी आपको बताऊंगा कि किसके साथ मिलके हम वहाँ पर सेमिनार कर रहे हैं, वो एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।